वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुज्जू राइडर। गुज्जू राइडर के चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, एक और मज़ेदार वीडियो के लिए हम रेडी हो चुके हैं और कुछ ही देर में अब हम अपनी ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं। और फिलहाल मैं अभी हूँ मोड़ासा सिटी, मेरे घर में हूँ और ऐसे ही बैठा था, सोचा कि कोई एक बढ़िया सा लोकेशन ढूँढते हैं हमारी आसपास। तो एक बोर्डी करके छोटा सा गाँव है, वहाँ पर द ग्रीन फॉरेस्ट करके एक छोटा सा रिसोर्ट है और आप अपने हॉलीडेज़ वहाँ पर स्पेंड कर सकते हो, कोई पिकनिक कर सकते हो, ऐसा एक लोकेशन है। ज़्यादा डिटेल में आपको वहाँ पर पहुँच के बताऊँगा कि एग्जैक्टली वो जगह क्या है, वहाँ पर एक्सप्लोर करने जैसा क्या है। तो बहुत सारे आज मज़ेदार सिनेमैटिक शॉट्स आपको देखने को मिलने वाले हैं और यहाँ से करीबन होगा 7 या 8 किलोमीटर या फिर 5-6 किलोमीटर होगा, ज़्यादा मैंने अभी देखा नहीं है। और लोकेशन की लिंक हर बार की तरह वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो वहाँ पर क्लिक करके आप सीधा इस लोकेशन पे आ सकते हो। और एक खास चीज़ बता दूँ कि गुजरात घूमना है मेरा काम, क्योंकि गुज्जू राइडर है मेरा नाम। ऐसे ही मज़ेदार लोकेशन अगर आपके आसपास है तो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी अभी आपको डिस्प्ले में नज़र आ जाएगी, तो वहाँ पर जाके मुझे मैसेज कीजिए कि आपके आसपास में ऐसी कोई जगह आई हुई है, तो मैं वहाँ पर आके वीडियो बनाऊँगा। और अगर आप चाहते हो साथ आना तो आप साथ भी आ सकते हो। चलिए बातें कम करते हैं, देर नहीं करते हैं, निकलते हैं अपनी राइड के लिए। लोकेशन की लिंक डाल दी है, यहाँ से एग्जैक्ट मेरे घर से है 7.3 किलोमीटर्स, कम से कम 10-15 मिनट का रास्ता है। धूप बहुत ज़्यादा है, तो हम जाने वाले हैं डुगरवाला रोड से। अब यहाँ से लेने वाले हैं राइट और ये हाईवे है जो अहमदाबाद से शामला जी तक जाता है, वो हाईवे है। और यहाँ से लेफ्ट लेना है हमें और पहला जो गांव पड़ेगा यहाँ से वो है चांद टेकरी। और काफ़ी अच्छा रास्ता है, वेल मेंटेन है रास्ता, अभी नया बनाया है शायद। तो यहाँ से हम जाएंगे आगे रेलवे क्रॉसिंग। तो ये जो गांव है ये है चांद टेकरी। अब यहाँ से निकलेंगे हम आगे और भैरुंडा आएगा गांव। तो ये गांव है भैरुंडा। अब यहाँ से हमारा जो लोकेशन है वो काफ़ी क्लोज है, अब यहाँ से 1 या 2 किलोमीटर होगा। ये लोकेशन ज़्यादा दूर नहीं है मोड़ासा सिटी से, कुछ इस तरह का बोर्डिंग हमें नज़र आ रहा है और यहाँ से ब्लैक लेने को बोल रहा है। तो सामने सारे बोर्डिंग्स हैं, यहाँ से शायद एंट्री है। तो चलिए लेट्स डू सम ऑफ़रोडिंग। फाइनली यही डेस्टिनेशन है, यहाँ पर पहुँच चुके हैं और फिलहाल यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चालू है, रिनोवेशन का काम चल रहा है। बट आपको ज़रूर से पूरा लोकेशन घुमाएंगे और यहाँ पर पार्किंग हो तो बाइक अच्छी जगह पार्क कर देते हैं पेड़ के नीचे ताकि गर्म ना हो। तो फाइनली अभी हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं और थोड़ा रिसर्च कर लिया यहाँ पर, तो जो फ़ोटोज़ देखे थे वैसा ही ये लोकेशन था। बट अभी रिनोवेशन का काम चल रहा है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की तैयारी यहाँ पर हो रही है। तो फ़िलहाल अभी जो सिचुएशन में है वो कुछ थोड़े बहुत जो वीडियोज़ मैं कलेक्ट करूँगा वो आपको इस वीडियो में दिख जाएंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। और यहाँ पर काफ़ी बढ़िया जगह है, एक फार्म हाउस है बहुत बड़ा, यहाँ पर आप अपने कोई अच्छे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ कर सकते हो। यहाँ पर आप रिंग सेरेमनी है, कोई पार्टीज़ है वो कर सकते हो, आप यहाँ पर वीकेंड पे आ सकते हो। तो काफ़ी एक बढ़िया सा एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि आप अपनी मतलब शहर से दूर एक ग्रीनरी वाले फुल्ली ऑक्सीजन पार्क में ऐसे घूमो। और ये बढ़िया जगह है, यहाँ पर कॉटेजेस भी बनाए गए हैं, वो भी आपको मैं वीडियो में दिखा दूंगा। बट यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है पहले वो दिखा देता हूँ, तो वो देखिए और फिर कुछ ड्रोन शॉट आपको दिखा देता हूँ। और फिर यहाँ से हम जाएंगे इनका ही एक और बढ़िया प्लेस है जो मोड़ासा सिटी में है, दादा दादी नी वाड़ी। तो वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्लेस इन मोड़ासा,
तो फटाफट से यहाँ पर कुछ थोड़ा बहुत वीडियो ले लेते हैं और चलते हैं दादा दादी बाड़ी के लिए। अभी ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं हम, काफी हाइट पे है ये भी एरिया, बहुत बढ़िया लोकेशन है ये। धूप हो रखी है, शाम का वक्त है, यहाँ पर जो कॉटेजेस है उसके नाम फ्रूट के नाम पे रखे गए हैं, जैसे ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, मैंगो। तो ये है ऑरेंज कॉटेज जो हमारे पीछे है, और यहाँ पर एक बढ़िया सा स्विमिंग पूल भी है, बट फिलहाल क्लोज है। बट कैसा है वो देखिए। सीरियसली जब ये पूरा रिनोवेशन ख़त्म हो जाएगा तब यहाँ पर वीकेंड के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। बच्चों के खेलने के लिए भी यहाँ पर छोटा सा प्लेग्राउंड है, झूले हैं, और यहाँ पर मैंने कुछ डिटेल ली, यहाँ पर फार्म सफारी भी करवाई जाती है, वो भी देसी स्वैग में, ट्रैक्टर में, तो वो भी बढ़िया चीज़ लगी। और ये है मैंगो कॉटेज, तो चलिए अब वो दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर एक छोटा सा तालाब भी बनाया गया है, फिलहाल ये सूख गया है क्योंकि अभी मेंटेनेंस का काम चल रहा है। जब ये ख़त्म हो जाएगा, और कुछ फोटोजीस है मेरे पास, वो मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगा कि क्या ही नज़ारा है यहाँ का। तो ये जो बाउंसिंग पूल है वहाँ से होके हमें वहाँ जाना होता है वो दिखा देता हूँ। और ये पूरा जो तालाब है उसके बीच में आइलैंड की तरह एक प्लेस बनाया गया है, तो ये भी काफ़ी पीसफुल है। और ये जगह देखिए कुछ इस तरह की है, एडवेंचर वाली एंट्री, और देखो बाउंसी पूल। देखो क्या ही मज़ा, क्या ही मज़ा। ये सब कुछ रिनोवेशन होने वाला है ये यहाँ का, तो ये भी उसमें इंक्लूडेड है। काफ़ी बढ़िया जगह है, और जब भी ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा पहला मैं आऊँगा, फिर से एक और वीडियो बनाऊँगा आप सभी के लिए। तो अब चलते हैं यहाँ से वापस। आज एक छोटी सी विजिट थी द ग्रीन फॉरेस्ट, वो हमने कंप्लीट की। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना, ड्रोन शॉट आपको कैसे लगे वो बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब यहाँ से मैं जा रहा हूँ दादा दादी की बाड़ी, अगर वहाँ का शूट लेता हूँ तो आपको वीडियो में नज़र आ जाएगा। अभी फ़िलहाल तो गर्मी बहुत है, सो यहाँ से निकल रहे हैं, देखते हैं क्या प्लान होता है। बट आपको कहीं नहीं जाना है, आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ऐसे मज़ेदार वीडियो गुज्जू राइडर के चैनल पे आते रहेंगे, तो देखते रहिए गुज्जू राइडर। तो अभी पहुंच चुके हैं दादा दादी की वाड़ी, और ये है यहाँ की ग्रैंड एंट्री,
और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं अंदर, और यहाँ पर अंदर का एटमॉस्फेयर कैसा है आप सभी को दिखाएंगे। तो फटाफट से चलते हैं, आपको वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब चलते हैं अंदर। हम एंटर करते हैं, बहुत बड़ा यहाँ पर पार्किंग जोन है और बढ़िया सी ग्रीन पेड़ों वाली एंट्री बनाई गई है। ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखा दूंगा कि यहाँ पर किस तरह के कॉटेजेस है, यहाँ पर इवेंट्स भी होते हैं, और तो बाद में यहाँ पर पूरा टूर करके दिखाऊंगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को शेयर करना हर एक मोड़ासा के जो सिटीजन हैं उनसे शेयर करना कि वो जान सके कि हमारे मोड़ासा में भी एक ऐसा लोकेशन आया हुआ है। एकदम लश ग्रीन नेचर, और क्या ही मेंटेन करके रखा है यहाँ पर, बहुत खूबसूरत है ये जगह। काफ़ी खुली जगह यहाँ पर हमें मिलती है, तो हम अपना कोई भी इवेंट यहाँ पर अरेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर है एक स्विमिंग पूल, ये भी काफ़ी बढ़िया है। और अब चलते हैं अंदर, कॉटेजेस दिखा देते हैं, यहाँ पर कॉटेजेस भी है, और लास्ट में ड्रोन शॉट बनता है, यहाँ का भी हम ड्रोन शॉट ज़रूर लेंगे, क्यों नहीं लेंगे भाई। बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पर छोटा सा प्लेग्राउंड है। अब हम यहाँ से जा रहे हैं पीछे की ओर, और काफ़ी रास्ते के बाद अंदर कॉटेजेस बनाए गए हैं, वो मैं आपको दिखा दूंगा। क्या ही लोकेशन है, एकदम ग्रीनरी में, समर में आते हो ऐसी जगह आपको मिल जाती है, वेकेशन में घूमने के लिए निकले हो ऐसी जगह पे आप स्टे लोगे, अपना वीकेंड यहाँ पर स्पेंड करोगे, क्या ही मज़ा आएगा। सभी कॉटेजेस को सेपरेट छोटे छोटे वाटर पूल दिए गए हैं, वहाँ पर आप बाथ ले सकते हो, स्विमिंग कर सकते हो, और बढ़िया सा लोकेशन है आज जो मैंने मोड़ासा सिटी में ढूंढा। मतलब मैं पहले बाहर से देखा था कि पहले यहाँ पर मेले लगते थे अंदर, वो टाइम पर मैं भी छोटा था यहाँ पर आया हुआ था, बट इतना सब यहाँ पर नहीं देखा था। और ग्रीन फॉरेस्ट, वो जगह भी अभी डेवलपमेंट हो रहा है उसका, बट वो शायद इसकी भी टक्कर ले लेगी, मुझे ऐसा लग रहा है। कुछ फ़ोटोज़ हैं वो मैंने वीडियो में दिखाए, और एज़ वेल एज़ मेरे इंस्टाग्राम की आईडी पर भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो वहाँ पर जाके आप चेक कर सकते हो। और अगर ऐसी कोई जगह आपके आसपास है तो ज़रूर से मुझे मैसेज कीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार लोकेशन के लिए देखते रहिए गुज्जू राइडर। बाय।